हम लोग कतई नहीं चाहते कि एम्बुलेंस सेवा बंद हो, लेकिन 8,000 के इस वेतन में जो 8,000 रुपए देते हैं। और आपके नाम पर उस जीवीके कंपनी को कितनी सैलरी मिलती है? 25,000 रुपए मिलते हैं। तो 13 साल में 4,000 में लगा था और आज 8,000-9,000 मिलते हैं। कि जो पैसा है राजस्थान का वो तो जनता के लिए खर्च कर रहे हो, लेकिन जो दलाल है बीच में उनके तो माफरत कर रहे हो। वो लोग जो मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं ताकि उसे समय पर इलाज मिल सके, लेकिन बीते 1 तारीख से उन लोगों को इसलिए परेशानी हो रही है कि ये एम्बुलेंस कर्मचारी आंदोलन पर हैं, हड़ताल पर हैं। ऐसे में ये आंदोलनकर्मी पहले जेएलएन मार्ग पर आंदोलन कर रहे थे और अब शहीद स्मारक पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में जो आम जनता को परेशानी हो रही है, आखिर ये परेशानी पहुंचाने वाले या फिर उन लोगों को क्या परेशानी हो रही है, इस चीज़ को जानने के लिए हम उन एम्बुलेंस कर्मियों के नेता के साथ सुजाराम जी के साथ हैं। सर, क्या समस्या हो रही है जिसकी वजह से, आप लोगों की वजह से बाकी लोगों को, जो मरीजों को भी समस्या होने लगी है? देखिए, एम्बुलेंस कर्मचारी 2008 से लगातार अल्प वेतन के अंदर काम करते आ रहे हैं, अपनी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाने के माध्यम से लगातार काम भी करते आ रहे हैं। हम लोग कतई नहीं चाहते कि एम्बुलेंस सेवा बंद हो, लेकिन 8,000 के इस वेतन में जो विभिन्न तरह की पेलेंटियाँ ये कंपनियां एम्बुलेंस कर्मचारियों के ऊपर लगाती है, इससे इनका वेतन है जो बहुत कम आता है और इस अल्प वेतन के अंदर ये एम्बुलेंस कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, और भी कई एम्बुलेंस कर्मचारी हैं हमारे साथ। आप कहाँ से आए हो? मैं दौसा से आया साहब। कब से एम्बुलेंस चला रहा हूँ? हमको 13 साल हो गई मुझे। अच्छा, 13 साल हो गई। 13 साल में 4,000 में लगा था और आज 8,000-9,000 मिलते हैं। जो भी दुनिया भर की कटौती कर लेते हैं कि मान लो हम बाय द वे टेक्निकल इश्यू की वजह से अगर उसमें फोन नहीं बचता है तो हमारे नाम पेनल्टी चढ़ गई, हमारी सैलरी में से वो पैसा काटा जाएगा। इनके कितने घंटे काम करते हैं आप? दिन के तो ये मान के चलो हम 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन 12 घंटे ऐसे निकलते हैं हमारे जैसे कि 12 महीने निकल रहे हो। इतनी एक्टिव रह के काम करते हैं, लेकिन काम के अकॉर्डिंग हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता है। जहाँ तक आप सब देख रहे हो, हमारा शारीरिक आर्थिक मानसिक शोषण हो चुका है। इतने परेशान हो चुके हैं ताकि सुसाइड कर लें, अब तो इस नौकरी से इतने परेशान हो गए। हमारे बच्चे, बूढ़े माँ बाप, इस 8,000-9,000 में क्या होता है? सही बात है। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? सर, मैं जसवंत सिंह नाम है, उदयपुर से हूँ और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब से बात करना चाहता हूँ कि जो एम्बुलेंस है, हमने अच्छा काम किया है, ये राजस्थान की गरीब जनता, दुखी जनता जानती है। लेकिन एक बात मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो पैसा है राजस्थान का वो तो जनता के लिए खर्च कर रहे हो, लेकिन जो दलाल है बीच में उनके तो माफरत कर रहे हो। ये दलाल क्या करता है कि ये पैसा हमारे द्वारा जो सेवा दी जा रही है, बिल्कुल हम लोगों को। आपको कितनी सैलरी मिलती है? सर, हमें सैलरी मिलती है 8,200 रुपये। जी, उसमें से कटते कितने? सर, उसमें कट कटा के 8,200 रुपये देते हैं। उसमें भी अगर मैं बाई चांस, अगर समझो आपको मैंने कभी एफ नहीं चलाया है या फिर मैंने कोई छोटी मोटी कोई बात हो गई है तो पेनल्टी, बोले तो जब गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेट्रोल के लिए जब हम कॉल सेंटर से कॉल आता है और हम कॉल उठाते हैं और जब बोलते हैं सर पेट्रोल नहीं है, अगर मैंने उस ERC को यूँ बोल दिया तेल नहीं है तो वो पैसा डायरेक्ट हमारे सैलरी से काट देते हैं। ये कंडीशन है। तो ये और भी कर्मचारियों से हम बात कर लेते हैं। कौन सी कंपनी है? जीवीके वो कंपनी है ना? हाँ, जीवीके कंपनी। कब से चला रहे हो आप? ये 15 साल हो गए। 15 सालों से लगातार काम कर रहे हो। सैलरी कितनी बढ़ी है आपकी? कुछ नहीं बढ़ी है, 8,000 रुपये देते हैं। और आपके नाम पर उस जीवीके कंपनी को कितनी सैलरी मिलती है? 25,000 रुपये मिलते हैं। तो बीच के लगभग 15,000 वो खा जाते हैं? हाँ, एक बिचौलिया खा जाते हैं, कंपनी बिचौली कंपनी खा जाती है। कंपनी सुविधा क्या दे रही है फिर उसके बदले में? आप कुछ सुविधा नहीं दे रही है और अपने से शोषण कर रही है कंपनी। और अब आप 7 दिन से आंदोलन पर हैं, कंपनी वालों ने क्या किया है? कंपनी वाले हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अभी केस लगा रही है, जाके रिपोर्ट दर्ज हो रही है, आप घर पे लौट जाओ। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे को सुविधा कमेटी में शामिल किया जाए और हमारी मांगी पूरी की जाए। बिल्कुल, ये तमाम वो एम्बुलेंस कर्मी हैं जो बीते 7 दिन से आंदोलन की राह पर है। इनकी यही मांग है कि जो ठेका प्रथा चली हुई है जिसकी वजह से ये एम्बुलेंस कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, ऐसे में जो सरकार को चाहिए कि जो सारा वेतन इन कर्मचारियों को मिलना चाहिए वो जीवीके कंपनी के हिस्से में जो डाला जा रहा है वो सीधे इन कर्मचारियों के हिस्से में आए ताकि इनके भी परिवार का भरण पोषण हो सके।